Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back, students. In the last lecture, we have discussed about the operating characteristics of an IC, and today we will see that characteristics in depth. We have learned about integrated circuits, ICs, and their technology, that transistors are used to implement gates, and there are different implementation technologies. These technologies differ from each other in terms of switching speed, power dissipation, and circuit density. We have go through the implementation technologies. Number one, CMOS switching speed is a bit slow but comparable to TTL. CMOS has higher chip density than TTL, and due to its high input impedance, it is easily damaged due to accumulated static charge. Then we have TTL. TTL is extensively used technology, characterized by fast switching speed and high power consumption. After TTL, we have ECL, emitter coupled, used in specialized applications where switching speed is of prime importance, such as high speed transmission memories and arithmetic units. Then PMOS and NMOS technologies are used in LSI, again, large scale integration requiring high chip density. Large memories and microprocessors are implemented using these technologies. These ICs have very low power consumption. Then in the last, we have E-square CMOS, a combination of CMOS and NMOS technology used to implement programmable logic devices. We have gone through these operational characteristics. We have an introduction of these characteristics in the last lecture. These technologies differ with each other, or the operational characteristics were the DC supply voltages, the noise margin, power dissipation, frequency response or propagation delay, and fanout. Today we will discuss these operational characteristics in detail. Okay, last lecture में हम लोगों ने कुछ ICs के बारे में पढ़ना शुरू में हम लोगों ने कुछ ICs के बारे में पढ़ना शुरू किया था कि अगर हम किसी आईसी को एक आईसी या किसी गेट के ऊपर हमने काम करना है, तो गेट्स जो है वो हमें लॉजिक गेट्स आईसीज के अंदर अवेलेबल है. अब ये आईसीज मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज से बन रही हैं, ठीक है. अब ये टेक्नोलॉजी डिपेंड करता है ट्रांजिस्टर्स के ऊपर कि आपके किस तरह के ट्रांजिस्टर्स मिलके एक लॉजिक गेट बना रहे हैं उस आईसी के अंदर. तो हमारे पास मुख्तलिफ इम्प्लीमेंटेशन टेक्नोलॉजीज हैं जो कि एक दूसरे से जिनका डिफरेंस स्विचिंग स्पीड, पावर डेसिपेशन और सर्किट डेंसिटी के ऊपर एक दूसरे से डिफर करती हैं. जो ज्यादातर जो इम्प्लीमेंटेशन टेक्नोलॉजीज यूज होती है वो है सीमॉस, टीटीएल, ईसीएल, पीमॉस, एनमॉस एंड ई स्क्वायर सीमॉस. अब सीमॉस जो है ये बहुत ज्यादा यूज होती है क्योंकि इनकी जो पावर रिक्वायरमेंट है वो काफी लो है, और मगर इनकी जो पावर रिक्वायरमेंट है वो काफी लो है, और मगर स्विचिंग स्पीड जो है वो स्लो है, मगर कंपेरेबल है टीटीएल के, ठीक है. सीमॉस की चिप डेंसिटी जो है वो हाई है, इसका मतलब एक छोटी सी जगह पे आप ज्यादा सर्किट्स बना सकते हो, ठीक है. मगर इसमें मसला ये है कि हाई इनपुट इम्पीडेंस की वजह से जो आपके स्टैटिक चार्ज होता है उससे ये डैमेज बहुत जल्दी हो जाती है. उसके बाद आता है टीटीएल, जो बहुत ज्यादा यूज होती है टेक्नोलॉजी, फास्ट स्विचिंग स्पीड और हायर पावर रिक्वायरमेंट्स होती हैं टीटीएल के लिए. ईसीएल जो आ रही है हमारे पास, ईसीएल जहां पे आपको बहुत तेज डेटा ट्रांसमिट करना होता है वहां पे हम ईसीएल को यूज करते हैं, एमिटर कपल लॉजिक को. अब ये जो है हाई स्पीड ट्रांसमिशन मेमोरीज और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट्स, इस तरह की डिवाइसेस में आपके पास ईसीएल यूज होती है. उसके बाद पीमॉस एंड एनमॉस है, ठीक है. पीमॉस और एनमॉस जो है वो बहुत, इनकी चिप डेंसिटी जो है सर्किट डेंसिटी, माइक्रो प्रोसेसर्स बनाने और
इस तरह की जो बहुत बड़ी मेमोरीज होती हैं उनको बनाने के लिए जो टेक्नोलॉजी हम यूज करते हैं वो पीमोस और एनमोस है। ई स्केयर सीमोस हमारे पास प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेस बनाने के लिए यूज होती है। हमने ये ऑपरेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स लास्ट टाइम पढ़े थे, इनका गो थ्रू किया था, आज हम इनकी इन डेप्थ स्टडी करेंगे। जो ऑपरेशनल कैरेक्टर्स जिनके बेसिस पे एक आईसी दूसरे आईसी से डिफर कर रहा होता है या एक टेक्नोलॉजी दूसरी टेक्नोलॉजी से डिफर करती है, वो डीसी सप्लाई वोल्टेजेस है, नॉइस मार्जिन है, पावर डेसिपेशन है, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है और फैन आउट है। ठीक है, फैन आउट का मतलब ये कि एक आईसी की एक गेट की आउटपुट पे आप कितने गेट्स को एज एन इनपुट लगा सकते हो। फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, जितना आपका फास्ट होगा उतना ही आपका आईसी का रिस्पॉन्स फास्ट होगा, प्रोपिगेशन डिले उतनी कम होगी। पावर डेसिपेशन, जाहिर बात है एक आईसी के जब आप 5 वोल्ट देते हो तो जरूरी नहीं है कि उसकी पावर डेसिपेट होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट या नॉइस की वजह से, कुछ ना कुछ डेसिपेशन होती है। अगर कम डेसिपेशन है आपके पास आउटपुट पे रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे, डेसिपेशन अगर एक लेवल से ऊपर हो रही होती है तो आउटपुट में आपके पास रिजल्ट अच्छे नहीं आते हैं, वो आपके नॉइस में आ जाते हैं। नॉइस मार्जिन यानी एक आईसी का वर्किंग रीजन होता है, जिस आईसी का नॉइस मार्जिन जितना ज्यादा होगा उसकी वर्किंग उतनी ही एफिशिएंट होगी। डीसी सप्लाई वोल्टेजेस आपकी पावर रिक्वायरमेंट है, बाज आईसी 3.3 पे चलते हैं, बाज आईसी 5 वोल्ट पे चलते हैं, बाज आईसी 12 वोल्ट पे चलते हैं। तो ये जो डीसी सप्लाई वोल्टेजेस है ये मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज के लिए डिफर कर रहे होते हैं। जो टीटीएल हमारे पास सीरीज है उस पे हम बात करते हैं कि टीटीएल जो हमारे पास नंबर आईसीज के स्टार्ट होते हैं, ठीक है, दस वो है स्टैंडर्ड टीटीएल, टीटीटीएल एडवांस लो पावर शॉक टीटीटीएल और फास्ट टीटीएल। ठीक है, स्टैंडर्ड शॉक्टी और एडवांस शॉक्टी टीटीएल और लो पावर टीटीएल, और ये जो सीरीज है ये एक दूसरे से जो डिफरेंस जो इनमें आता है वो उनकी स्विचिंग स्पीड का और पावर डेसिपेशन का आता है। ठीक है, जो स्टैंडर्ड टीटीएल है वो सबसे स्लो है और सबसे ज्यादा पावर रिक्वायर्ड भी उसी के लिए होती है, और जो एडवांस लो पावर शॉक्टी है उनकी स्विचिंग स्पीड सबसे ज्यादा और लो पावर रिक्वायरमेंट्स है। ठीक है, अब आईसीज के ऊपर आप इसको आइडेंटिफाई करते हो, 7-4 से स्टार्ट हो रही है तो वो स्टैंडर्ड टीटीएल है, 7-4S है तो वो शॉक्टी टीटीएल है, 7-4AS है एडवांस शॉक्टी टीटीएल है, 7-4LS है लो पावर शॉक्टी टीटीएल है। ठीक है, और 7-4ALS एडवांस लो पावर शॉक्टी टीटीएल और 7-4 है फास्ट टीटीएल। तो ये जो एडवांस लो पावर शॉक्टी टीटीएल है, इन पावर शॉक्टी टीटीएल और 7-4 है फास्ट टीटीएल। तो ये जो एडवांस लो पावर शॉक्टी टीटीएल है ये बहुत ज्यादा यूज होती है हमारे पास। ओके, इसके बाद सीमोस सीरीज आती है। सीमोस सीरीज में हमारे पास दो सीरीज है, एक 5 वोल्ट सीमोस और एक 3.3 वोल्ट सीमोस। जो 3.3 वोल्ट सीमोस है ये नई सीरीज है सीमोस की। ठीक है, और 3.3 वोल्ट सीमोस जो है इसकी ये फास्ट स्विचिंग स्पीड और लो पावर डेसिपेशन के लिए यूज होती है एज कंपेयर टू 5 वोल्ट सीमोस सीरीज। 5 वोल्ट सीमोस सीरीज में अगेन हमारे पास तीन सीरीज है, 7-4HC, 7-4AC और 7-4AHC। HC स्टैंड फॉर हाई स्पीड सीमोस, AC एडवांस सीमोस और AHC एडवांस हाई स्पीड सीमोस। ठीक है, तो ये HC और ये जो इनके आगे अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं ये सीमोस को बता रहे हो कि सीमोस टेक्नोलॉजी पे आप हो। ठीक है, इसके बाद एक और आपके पास इसी में ही सीरीज है, 7-4HCT, 7-4ACT, 7-4AHCT। ठीक है, ये जो AHCT, ये जो आखिर में T ऐड हुआ है, सीमोस और TTL दो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज हैं, मगर ये जो सीरीज है ये TTL के साथ आपकी इसकी कंपैटिबिलिटी आती है। ठीक है, ये जो 7-4HCT, ACT और 7-4AHCT ये सीमोस के साथ कंपैटिबल है, ये आप टीटीएल के साथ कंपैटिबल है, इनको आप टीटीएल आईसीज के साथ भी यूज कर सकते हैं। ये जो सीरीज है इसको आप टीटीएल के साथ यूज नहीं कर सकते हो, ये टोटली उनसे डिफरेंट है। ठीक है, ये तीनों सीरीज जो है ये अगेन इनकी जो स्विचिंग स्पीड है वो डिफरेंट है, लो पावर डेसिपेशन कंजम्पशन या पावर डेसिपेशन इनकी डिफरेंट है। इसी तरह जो 3.3 वोल्ट सीमोस है इसके अंदर हमारे पास 7-4LV है,
एलवी स्टैंड्स फॉर लो वोल्टेज, एलवी स्टैंड्स फॉर लो वोल्टेज सीमॉस, ठीक है। एलवीसी लो वोल्टेज, सीमॉस स्टैंड फॉर एलवी या एलवीसी स्टैंड फॉर, दोनों एक ही है, लो वोल्टेज सीमॉस या लो वोल्टेज सीमॉस है। स्टैंड फॉर एएलवीसी स्टैंड फॉर एडवांस लो वोल्टेज सीमॉस। तो ये सीमॉस की अगेन 3.3 वोल्ट सीमॉस है। अब 3.3 वोल्ट जो है ये बहुत ही लो पावर कंजम्पशन है रिक्वायर्ड, इसके लिए बहुत लोअर पावर रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। और इसकी जो स्विचिंग स्पीड है वो काफी अच्छी है, फास्ट स्विचिंग स्पीड है इसकी, ठीक है। तो ये दो टेक्नोलॉजीज हम लोगों ने देखी है, एक पीटीएल है, ठीक है, और एक सीमॉस है। सीमॉस जरा इसमें जो सीमॉस है इसमें 3.3 वोल्ट की जो सीरीज है वो नई है, लो पावर और फास्ट स्विचिंग के लिए है, ठीक है। और टीटीएल आपके पास दोनों जो सीरीज है वो 7 पोर से स्टार्ट होती है, मगर जो सीमॉस है उसके आखिर में आपको ये सी दोनों जो सीरीज है वो 7 पोर से स्टार्ट होती है, मगर जो सीमॉस है उसके आखिर में आपको ये सी मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको सी नहीं मिलेगा, टीटीएल में 7 पोर एफ है, एएलएस है, एलएस है, एएस है और एस है, ठीक है। 7 पोर स्टैंडर्ड टीटीएल है। तो ये टीटीएल और सीमॉस की सीरीज है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं नॉइस मार्जिन को। अच्छा, नॉइस मार्जिन से पहले हम लोग थोड़ा सा डीसी पावर सप्लाई को डिस्कस भी कर लेते हैं। वैसे तो जो हमने टीटीएल और सीमॉस किया से आपको अंदाजा हो जाएगा, जो टीटीएल सीरीज है ये हाई पावर रिक्वायर्ड है, ठीक है, और जो सीमॉस है ये लो पावर रिक्वायरमेंट है। इनकी स्विचिंग स्पीड एज कंपेरेबल टू टीटीएल है, अच्छी है मगर स्लो है, ठीक है। अब आपको कोई ऐसा सर्किट चाहिए जो आपने अपने साथ कैरी ऑन करना है, तो हम जो है वो 3.3 वोल्ट सीमॉस के लिए जाएंगे, क्योंकि 3.3 वोल्ट की बैटरी सप्लाई यूज आप पोर्टेबल है, आप 3.3 वोल्ट का एक सेल मिल जाता है उसको आप यूज कर सकते। इसी पावर सप्लाई जो का जो मतलब है वो ये है कि आपका जो आईसी टेक्नोलॉजी है वो कितने वोल्टेजेस पे कितने ऑपरेट कर रही है। जो नॉइस मार्जिन है ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो इनपुट और आउटपुट सिग्नल की एक रेंज ऑफ वोल्टेजेस होती है, ठीक है। जिस तरह आप अगर 5 वोल्ट दे रहे हो, ठीक है, प्लस 5 वोल्ट आप ऑन के लिए रखते हो और 0 वोल्ट आप ऑफ के लिए रखते हो। इन केस अब नॉइस की वजह से ये 5 वोल्ट जो है वो 5.5 भी हो सकते हैं, ठीक है, और वो 4.5 पे भी आ सकते हैं। नॉइस का हमने कभी भी नहीं पता होता कि वो कंस्ट्रक्टिवली ऐड होगी या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेगी, ठीक है। इसी तरह 0 वोल्ट आपके पास 0.5 भी हो सकते हैं, ठीक है, ऐड होके आपके पास आ सकते हैं। तो ये वोल्टेजेस रेंज है, ये नॉइस की वजह से एक्सीड भी करती है और कम भी हो सकती है। तो इस नॉइसी कंडीशन का आईसी के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा और मार्जिन ऑफ एरर का आईसी के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा और मार्जिन ऑफ एरर आप कितने एरर तक आईसी उसको संभाल सकता है, इस चीज को हम नॉइस मार्जिन का नाम देते हैं, ठीक है। इसको इस तरह से देख लेते हैं कि जो हमारे पास टीटीएल लॉजिक लेवल्स है, अप्लाई 5 वोल्ट जो है वो लॉजिक हाई के लिए है, ठीक है, ऑन के लिए, और 0 वोल्टेज जो है वो लॉजिक लो के लिए है। अब वीआईएच इनपुट वोल्टेज फॉर वीआईएच आपके पास है इनपुट वोल्टेज रेंज ऑफ लॉजिक हाई सिग्नल विथ अ रेंज ऑफ 2 to 5 वोल्ट, ठीक है। इसी तरह जो वी आई एच मिनिमम है, ठीक है, वी आई एच मिनिमम जो आपके पास ये आ रही है, ठीक है, इज द मिनिमम एक्सेप्टेबल इनपुट रेंज फॉर अ लॉजिक हाई सिग्नल। ये मिनिमम एक्सेप्टेबल रेंज है, ठीक है, वी आई एच मिनिमम मिनिमम एक्सेप्टेबल रेंज है जिसपे आप कहोगे कि लॉजिक हाई है या लॉजिक 1 है, लॉजिक 1 लॉजिक हाई एक ही बात है, ठीक है, की बात है, ठीक है। और इसी तरह वी आई एच ये वो रेंज है जिसमें आप कहते हो कि यहाँ पे आपको इस रेंज में अगर आपको सिग्नल मिल रहा है तो आपके पास लॉजिक हाई है, ठीक है। वी आई एल इज द इनपुट रेंज ऑफ लॉजिक लो, ठीक है। इसी तरह जो ये वी आई एल है अगर इस रेंज में आपके पास एक वोल्टेजेस आ रहे हैं सिग्नल के तो आप उसको लॉजिक लो कहते हो, ठीक है। ये आपके पास 0.8 यहाँ पे नजर आ रहा है कि कैसे 0.8 जो है मेरे पास वो 0 से 0.8 की जो वोल्टेज रेंज है वो वी आई एल है, ठीक है। और वी आई एल मैक्सिमम इज द मैक्सिमम एक्सेप्टेबल इनपुट रेंज फॉर लॉजिक हाई सिग्नल लॉजिक लो सिग्नल, ठीक है। वी आई एल मैक्स जो है उसका मतलब ये है कि ये वो मैक्सिमम वोल्टेजेस है जिसके जिस तक आप लॉजिक 0 ले सकते हो, उससे ऊपर आपके पास लॉजिक 0 नहीं होगा। सिमिलरली आप देखें आउटपुट ऑफ एनी टीटीएल लॉजिक गेट कैन नॉट बी लॉजिक 1 और लॉजिक 0, द
VOH इज द आउटपुट वोल्टेज रेंज ऑफ लॉजिक हाई सिग्नल विद अ रेंज ऑफ 2 किलो. द VOH इज द आउटपुट वोल्टेज रेंज ऑफ लॉजिक हाई सिग्नल विद अ रेंज ऑफ 2.4 to 5 वोल्ट. ठीक है, VOH हम सिमिलरली इस तरफ हम देखें तो TTL में जो ये तो हमने जनरल डिस्कस किया है, ये जनरल एक डिस्कशन थी. ठीक है, अगर हम TTL की बात करें तो TTL के अंदर जो आपके पास लॉजिक हाई की जो रेंज है, ठीक है, वो 2.4 से 5 वोल्ट के अंदर है. ठीक है, 2.4 और 5 वोल्ट के बीच में अगर आपको सिग्नल के आउटपुट वोल्टेजेस मिल रहे होते हैं तो आप उसको लॉजिक हाई कंसीडर करते हो. ठीक है, और इसी तरह VOL जो आपके पास है लो लॉजिक के लिए, वी ऑफ वोल्टेज ऑफ हाई और वोल्टेज ऑफ लो लॉजिक. लो लॉजिक के लिए जो आपके पास वोल्टेज है वो 0 to 0.4 वोल्ट है, यानी 0.4 वो मैक्सिमम वोल्टेज है जहां तक आप लॉजिक जीरो जा सकते हो. 0.4 से ऊपर की जो जा सकते हो, 0.4 से ऊपर की जो रेंज है वो उसमें आपको नहीं पता होता कि आपके के पास जो आईसी है वो लॉजिक हाई स्टेट में या लॉजिक लो स्टेट में है. ठीक है, और एक ये जो बीच की रेंज है ये नॉट अलाउड होती है, यानी कि ये वो कंडीशन है जो जो हम कोशिश करते हैं कि ये इस रेंज में वोल्टेजेस कभी भी ना आए, क्योंकि ये वो वोल्टेजेस हैं जिसमें ना आईसी ऑन होगा ना ऑफ होगा. ठीक है, तो अगर आप अब इस चीज में देखें तो नॉइस मार्जिन आपके पास जो लॉजिक हाई के लिए वो 2.4 से 5 वोल्ट तक का है, कि यहां तक अगर 5 वोल्ट में इतना नॉइस आ जाए तो यहां तक का मार्जिन आपका आईसी संभाल लेगा. इससे अगर ज्यादा वोल्टेजेस कम होते हैं तो आपके पास वो हाई स्टेट में नहीं रहेगा. ठीक है, और अगर इसी तरह 0 से 0.4 के बीच में है, इतना नॉइस आता है तो आपका आईसी उसको संभाल लेगा. टीटीएल की बात हो रही है. ठीक है, टीटीएल इतना उसको संभालेगा, बात हो रही है. ठीक है, टीटीएल इतना उसको संभालेगा. इससे ज्यादा अगर आ जाता है नॉइस तो अगेन आपका आईसी ना लॉजिक जीरो पे होगा ना लॉजिक वन पे होगा. तो ये जो इनपुट लेवल्स होते हैं इस पे हमारी कोशिश होती है कि नॉट अलाउड वाली रेंज में हम कभी भी ना आए. इसी तरह अगर सीमोस की बात की जाए तो सीमोस की जो नॉइस मार्जिन की रेंज है, ठीक है, वो देख लें मुख्तलिफ जो टेक्नोलॉजीज हैं उस हिसाब से अगर हम देखें 3.5 से 5 वोल्ट है, 0 to 1.5 वोल्ट है. ठीक है, बीच में जो रेंज है वो नॉट अलाउड है, यानी जिनकी ऑपरेटिंग रेंज है वो ये है. इसी तरह जो ये थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है, ये इनपुट के लिए, ठीक है, ये इनपुट के लिए नॉइस मार्जिन है और ये आउटपुट. इनपुट है वीओ जो है वो आउटपुट के लिए है. इनपुट के ऊपर अगर आपके पास 3.5 से 5 वोल्ट तक सिग्नल आता है तो आप उसे लॉजिक वन भी कंसिडर करोगे. 0 से 0.1.5 तक आता है तो उसको आप लॉजिक जीरो कंसिडर करोगे. दरमियान की जो रेंज है 1.5 से 3.5 वो नॉट अलाउड है. उसमें आपकी कोशिश होती है कि कभी भी इस रेंज तक इस रेंज में आपके पास सिग्नल ना आए. तो जो आउटपुट के ऊपर आप देख सकते हो आउटपुट का जो नॉइस मार्जिन है वो 4.4 से 5 वोल्ट तक का है. ठीक है, लॉजिक वन के लिए और लॉजिक जीरो के लिए 0 वोल्ट से 0.33 वोल्ट तक का है. बीच वाली रेंज जो है अगेन वो नॉट अलाउड है. उसमें अगर आपका आ रहा होता है तो हम लोग प्रॉपर या मुख्तलिफ टेक्नोलॉजी यूज करके देखते हैं. अच्छा, जो 3.3 वोल्ट सीमॉस है उसके इनपुट पे आप देख ले 2 वोल्ट से 3.3 वोल्ट तक लॉजिक 1 है. ठीक है, 0 से 0.8 वोल्ट तक वो लॉजिक 0 को लेगा और दरमियान वाली रेंज 0.8 से 2 वोल्ट तक नॉट अलाउड है. आउटपुट के ऊपर देखें 2.4 से 3.0.8 से 2 वोल्ट तक नॉट अलाउड है. आउटपुट के ऊपर देखें 2.4 से 3.3 वोल्ट तक लॉजिक 1 है, 0 से 0.4 तक लॉजिक 0 कंसिडर होगा और दरमियान वाली रेंज नॉट अलाउड जो रेंज है वो 0.4 से 2.4 तक की रेंज है. ठीक है जी, तो अब अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर ड्यू टू नॉइस की अगर बात करें तो हमारे पास नॉइस का बिहेवियर हमेशा अनप्रिडिक्टेबल होता है. अच्छा, अब कंसिडर हम ये कंसिडर करते हैं कि हमारे पास एक एंड गेट है. ठीक है, इसकी जो इनपुट ए है वो लॉजिक हाई यानी एक प्लस 5 वोल्ट से है और ये सीमॉस का अगर हम सीमॉस टेक्नोलॉजी का एंड गेट ले रहे हैं. ठीक है, ए इनपुट जो है वो हाई
वोल्टेज प्लस 5 वोल्ट के साथ कनेक्टेड है, और जो इनपुट बी है वो किसी और आउट किसी आईसी की आउटपुट के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, अब जो वी इन है सपोज वो कुछ इस फॉर्म में आ रही है। हमारे पास जो अलाउडेबल रेंज है वो 3.5 वोल्ट से 4.2 वोल्ट के बीच में वोल्टेजेस लेवल है। ठीक है, सो अगर अब आप यहां पे देखें, ये छोटा सा डिप है, ये अब जो मिनिमम अलाउड रेंज है उससे भी नीचे आ रहा है, यानी 3 वोल्ट पर आ रहा है। अब इस रेंज में जब आईसी आएगा तो हम आईसी की आउटपुट को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि इस लॉजिक गेट की आउटपुट हाई पे है या लो पे है। ठीक है, तो ऐसी स्टेट में आईसी को हम लॉजिक गेट को हम कहेंगे कि ये माल फंक्शन कर रहा है, ये प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा, ड्यू टू नॉइस मार्जिन, ड्यू टू नॉइस इसकी फंक्शनैलिटी डिस्टर्ब हुई हुई है। तो इसका जो इतना मार्जिन है इसमें तो आईसी उसको संभाल लेगा, लॉजिक गेट उसने आपको लॉजिक हाई दे देगा, मगर अगर उस मिनिमम रेंज से आप नीचे आ जाओ तो उसमें फिर आपका आईसी आप ट्रिप नहीं कह सकते, वो लॉजिक जीरो स्टेट पे भी हो सकता है और लॉजिक हाई पे भी रह सकता है। तो ये बिल्कुल जो बिल्कुल थोड़ी सी ड्यूरेशन के लिए है, मगर उसमें ये एरर आएगा, इस एरर की को जो है ना, इसको अगर शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए भी है तब भी ये जो इस ड्यूरेशन में आपका जो आईसी है वो माल फंक्शन कर रहा होगा, हम उसमें ये नहीं बता सकते कि ये हाई स्टेट पे है या लॉजिक लो स्टेट पे है। तो इसलिए नॉइस मार्जिन जो है ये एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है, जो किसी भी टेक्नोलॉजी के अंदर जो नॉइस मार्जिन है वो जितना ज्यादा हो उतना हम लोगों के लिए वो आईसी बेहतर होता है। इन केस आप ये देखें कि +5 वोल्ट सीमॉस और +5 वोल्ट टीटीएल में जो 0.8 से 2 वोल्ट, 1.5 से 3.5 वोल्ट, इसका मतलब है कि सीमॉस जो है उसका नॉइस मार्जिन, इनपुट नॉइस मार्जिन टीटीएल से बहुत हाई है। ठीक है, आपका 3.5 से 5 वोल्ट है, ये 2 वोल्ट से 5 वोल्ट है। ठीक है, 2 वोल्ट से 5 वोल्ट है। ठीक है, इधर इसका लॉजिक हाई के लिए तो ऊपर आ रहा है, मगर आप देखें लॉजिक लो के लिए उसका मार्जिन बहुत कम है, जबकि यहाँ पे लॉजिक लो के लिए जो नॉइस मार्जिन है वो 1.5 से 3.5 यानी 1.5 ये 2.5 वोल्ट का नॉइस मार्जिन आपके पास आ रहा है। ठीक है, और इस केस में आपके पास 2 माइनस 0.8 करें तो आपके पास 1.8 वोल्ट का नॉइस मार्जिन है, मगर 1.8 वोल्ट जो है वो नॉइस के लिए अनअलाउजेबल अन नॉट अलाउड रेंज है, मगर इसके लिए लॉजिक लो के लिए है बहुत ही कम वोल्टेजेस है, अगर जरा सा भी एरर आएगा लॉजिक लो के लिए तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकेगा। इसी तरह आगे चलते हैं, हम अब इसी तरह एक और एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, इस एग्जांपल में अब हमारे पास एक दो एंड है तो इसकी आउटपुट की लॉजिक हाई ही होगी। अब जो सेकंड गेट है उसकी एक इनपुट ए जो है वो लॉजिक हाई पे और बी इनपुट जो है वो गेट 1 से आ रही है, तो हम सपोज करते हैं कि इस आउटपुट सिग्नल पे वही जो प्रीवियस नॉइस थी वो अगर ऐड हुई है तो उससे क्या इफेक्ट आएगा। ठीक है, हमने ये जो नॉइस है वो हमने ऐड सपोज किया कि वो आ रही है, अब इसकी आउटपुट के ऊपर जो एक्सेप्टेबल रेंज है वो वी आउटपुट OH मिनिमम 4.4 वोल्ट से 4.6 वोल्ट तक। ठीक है, और इसी तरह जो इसकी इनपुट के ऊपर जो मिनिमम एक्सेप्टेबल रेंज है वो 3.5 वोल्ट की है, यानी 3.5 वोल्ट तक अगर आपके पास आउटपुट वोल्टेजेस आ रहे हैं तो इसको लॉजिक हाई कंसिडर करेगा। ठीक है, अप टू 3.5 तक आ रहे हैं तो वो लॉजिक हाई पे होगा, उससे नीचे जो है वो अगर आपके पास इनपुट लो लॉजिक के इनपुट से भी मैक्सिमम इनपुट लो लॉजिक के इनपुट से भी मैक्सिमम लो लॉजिक के लिए मैक्सिमम से भी कम वोल्ट है तो वो उसको लॉजिक लो कंसिडर करेगा, जो दरमियान वाली रेंज है वो अनडिफाइंड रेंज होगी, उस पर आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि आउटपुट क्या होगी। ठीक है, अब इसमें देखें कि यहाँ पे जो बिल्कुल छोटा सा डेटा है बहुत शॉर्ट टाइम के लिए वो इसकी इनपुट लॉजिक के हाई के लिए जो मिनिमम वोल्टेज है वो 3.5 से भी कम, 3.4 वोल्ट के लिए, तो इस रेंज पे आपका जो आईसी है वो या जो सर्किट है पूरा वो मैल फंक्शन कर देगा, वो पूरा जो सर्किट है उसकी आउटपुट से वो खराब हो जाएगी, उसकी आउटपुट आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो कि इस रेंज में उसकी आउटपुट क्या होगी। अब जो नॉइस मार्जिन कैलकुलेट करने के फॉर्मूले हैं वो ये है, नॉइस मार्जिन हाई के लिए VOH, ठीक है,
जो इसका आउटपुट आ रहा है VOH माइनस VIH मिनिमम, इसके आउटपुट इनपुट जो वोल्टेज मिनिमम है वो जो होगा 3.5, VOH मिनिमम आपके पास 4.4 है, ठीक है, माइनस 3.5 तो आपके पास 0.9 वोल्ट आता है, ठीक है। तो यानी कि हाई वोल्टेज के लिए जो नॉइस मार्जिन है सीमॉस का वो 0.9 वोल्ट है, और लो वोल्टेजेस के लिए अगर करें तो आई एल मैक्स माइनस वी ओ एल मैक्स करें तो आपके पास लो वोल्टेज का नॉइस मार्जिन आ जाता है। इस चीज को अगर हम प्रॉपरली देखें तो सीमॉस टेक्नोलॉजी के लिए ये +5 वोल्ट के लिए, ठीक है, और ये 3.3 वोल्ट के लिए, और नीचे जो है वो TTL के लिए, ठीक है, ये TTL जो है वो अगेन 5 वोल्ट के ऊपर होता है, ठीक है। अगर आप सीमॉस 5 वोल्ट के लिए देखें तो आउटपुट मिनिमम 4.4 है, इनपुट मिनिमम 3.5 है, 4.4 माइनस 3.5 0.9 वोल्ट का नॉइस मार्जिन है इसमें। और VNL देखें तो IL मैक्सिमम माइनस VOL मैक्सिमम 1.5 माइनस 0.33 1.17, L मैक्सिमम माइनस VOL मैक्सिमम 1.5 माइनस 0.33 1.17 वोल्ट का आपके पास नॉइस मार्जिन आ रहा है। इसी तरह 3.3 वोल्ट के लिए देखें तो 2.4 माइनस 2.0 0.4 वोल्ट का, 0.8 माइनस 0.4 0.4 वोल्ट का। TTL के ऊपर आ जाए तो TTL 2.4 माइनस 2.0 0.4 वोल्ट है, 0.8 माइनस 0.4 0.4 वोल्ट है, ठीक है। तो ये हमारे पास सीमॉस के नॉइस मार्जिन है और TTL के नॉइस मार्जिन है। अच्छा, इन फिगर्स को देखते हुए हम कह सकते हैं कि जो सीमॉस 5 वोल्ट वाली सीरीज है उसका नॉइस मार्जिन बाकी सब सीरीज से हाई है, 0.9 एज कम्पेयर टू 0.4 0.4 वोल्ट और 1.17 एज कम्पेयर टू 0.4 0.4 वोल्ट। तो अगर हम टेक्नोलॉजी की नॉइस मार्जिन की बेस पर बात करें तो सीमॉस +5 वोल्ट जो है वो सबसे बेहतर परफॉर्म करेगा, ठीक है। इसके बाद हम पावर डेसिपेशन की बात करते हैं, ठीक है। पावर डेसिपेशन कांस्टेंट फॉर टीटीएल और पावर डेसिपेशन कांस्टेंट फॉर सीमॉस, इन चीजों को डिस्कस करते हैं। हमने बात की थी कि जब भी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है उसको रन कर उसको चलाने के लिए हमें पावर की जरूरत होती है, ठीक है। अब जितना ज्यादा वो पावर कंज्यूम करेगा उतनी ज्यादा उसमें हीट डेसिपेशन भी होगी, हमें उसके हीट डेसिपेशन के लिए फिर अल्टरनेट मेथड्स देखने पड़ते हैं कि हम कैसे उसको डेसिपेट करें। जैसे अगर आप अपने कंप्यूटर के अंदर देखें तो एक हीट सिंक के ऊपर एक फैन लगा होता है जो आपकी माइक्रो प्रोसेसर की हीट को डेसिपेट कर रहा होता है, ठीक है। तो अब जब हमारे पास अगर पावर डेसिपेशन की बात करें तो जब हमारा आईसी लॉजिक हाई के ऊपर होगा तो उसे हाई करंट चाहिए होगा, ठीक है। इसका मतलब है कि जब लॉजिक हाई होगी तो हमारे पास करंट की रिक्वायरमेंट भी हाई होगी, और जब लॉजिक लो होगी तो वो 0 वोल्ट पे होगा, वो लो करंट बहुत लो करंट उसको रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। तो अगर पावर डेसिपेशन का फॉर्मूला देखें तो पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट होता है, ठीक है, वोल्टेज इंटू करंट आ जाता है। तो पावर यानी वी इंटू आई सी, वी इंटू आई करेंगे तो आपके पास पावर आ जाएगी। अब मसला ये है कि हमारा आईसी जो है वो लॉजिक हाई और लॉजिक लो के बीच में काम कर रहा होता है, कभी लॉजिक हाई होगा कभी लॉजिक लो होगा, तो इसके लिए जो हमें है वो पावर की एवरेज निकालनी पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, करंट फॉर लॉजिक हाई प्लस करंट रिक्वायर्ड फॉर लॉजिक हाई प्लस करंट रिक्वायर्ड फॉर लॉजिक लो, दोनों को ऐड करके वोल्टेज से दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करेंगे और फिर वोल्टेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एवरेज पावर डेसिपेटेड आ जाए, एवरेज पावर डेसिपेटेड जो पावर है वो आ जाएगी। अच्छा, टीटीएल का केस में ये इस तरह होता है, सीमॉस का केस जो है वो थोड़ा डिफरेंट है। अब आप ये 7408 एंड गेट का, हर गेट के ऊपर हम कुछ ना कुछ वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं और जो टेक्नोलॉजी जो TTL है उसके हिसाब से जो उसकी पावर डेसिपेशन है उतनी ये पावर डेसिपेट कर रहा होगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं सीमॉस के ऊपर, द पावर डेसिपेशन ऑफ एच सीमॉस गेट इज 2.7 माइक्रोवॉट अंडर स्टैटिक कंडीशन ऑफ एंड 170 माइक्रोवॉट एट 100 किलोहर्ट्ज़। अच्छा, सी मॉस पे बात करें तो सी मॉस में क्योंकि हमारे पास स्विचिंग स्पीड बहुत हाई स्पीड भी होती है लो स्पीड भी होती है, तो सी मॉस टेक्नोलॉजी के अंदर हमारे पास एक कैपेसिटर होता है जो चार्ज हो रहा है और डिस्चार्ज हो रहा है, जो लॉजिक 0 लॉजिक 1 के बीच में आ रहा है।
अब जो सीमॉस की पावर डिसिपेशन है वो फ्रीक्वेंसी के साथ वैरी करेगी, तो फ्रीक्वेंसी ये है कि कितनी तेजी से वो लॉजिक जीरो और लॉजिक वन के सिग्नल आपके पास आ रहे हैं, ठीक है। अब जो सीमॉस का पावर डिसिपेशन का लॉजिक जीरो और लॉजिक वन के सिग्नल आपके पास आ रहे हैं, ठीक है। अब जो सीमॉस का पावर डिसिपेशन का फॉर्मूला वो ये है सीपीडी, ठीक है, सी एल इंटू वीडीडी स्क्वायर इंटू एफ। ये एफ जो है ये आपके पास फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, वीडीडी सप्लाई वोल्टेजेस है, सी एल एक्सटर्नल लोड डेसिपेशन कैपेसिटेंस है, ठीक है, और सीपीडी इंटरनल पावर डेसिपेशन कैपेसिटेंस है, और एफ जो है आपके पास ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी ऑफ द आउटपुट सिग्नल है। फ्रीक्वेंसी ये कि कितनी तेजी से हमारे पास जो है वो जो आउटपुट सिग्नल है वो जीरो से वन हो रहा है या वन से जीरो। अच्छा, नॉर्मल कंडीशंस के अंदर जो सीमॉस की पावर डेसिपेशन है वो 2.75 माइक्रोवॉट है, ठीक है, और अगर मेरे पास फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी तो जाहिर बात है पावर डेसिपेशन भी हाई हो जाएगी। तो एट अप्रोक्सीमेटली 100 किलो हर्ट्स के ऊपर जो सीमॉस की पावर डेसिपेशन है वो हो जाती है 170 माइक्रोवॉट। तो बस फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, मेरे पास पावर जो रिक्वायरमेंट है पावर डेसिपेशन है वो ज्यादा हो जाएगी। अच्छा, अब बात करते हैं प्रोपेगेशन डिले एंड फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स पे। प्रोपेगेशन डिले और फ्रीक्वेंसी लिमिट फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स एट विच द गेट कैन ऑपरेट, यानी इसको एक एग्जांपल की फॉर्म में देखते हैं। जैसे जो मेरे पास एक इन्वर्टर है उसकी मैं दे रहा हूँ, जब मेरे पास एक सिग्नल 0 से 1 हो रहा है तो आउटपुट मेरे पास 1 से 0 होगी, ठीक है। जब मैं यहाँ पे 0 दूंगा तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 1 दूंगा, यहाँ पे 0 दूंगा। जब मैं ये 0 से 1 करूंगा, 0 दूंगा, ठीक है, तो मेरे पास सिग्नल 0 1 आ रहा है, 0 से 1 हो रहा है, तो आउटपुट के ऊपर एकदम से ये 1 से 0 नहीं होगा, कुछ थोड़ी सी डिले के बाद ये 1 से 0 होगा, ठीक है। तो इस चीज को हम प्रोपिगेशन डिले कहते हैं कि जब आपने इनपुट पे एक सिग्नल दिया है तो कितनी देर बाद आउटपुट पे उसका इफेक्ट आएगा, इसको हम प्रोपिगेशन डिले कहते हैं, ठीक है। अब इन्वर्टर की एग्जांपल यही है। अब ये जो प्रोपिगेशन डिले है ये अगर फ्रीक्वेंसीज को लिमिट कर देती है, ठीक है, जिस फ्रीक्वेंसी पे जितनी प्रोपिगेशन डिले गेट की है अगर आपके पास उससे पीछे उतनी फास्ट स्विचिंग हो रही है तो आपके पास वो काम नहीं करेगा। आपकी फ्रीक्वेंसीज पे ये लिमिट कर रहा है कि आपका जो प्रोपेगेशन डिले की वजह से जिस फ्रीक्वेंसी पे गेट काम कर सकता है आप उसी फ्रीक्वेंसी पे आप दे सकते हो, ठीक है। इसकी एग्जांपल ये है कि जिस तरह एक दो मेरे पास स्टेशन है, ठीक है, दो मेरे पास समझ लें एक दो बैंक के स्टेशन है जो बिल जमा कर रहे हैं। एक बंदा जो है वो आपके पास हर 2 मिनट में एक बिल जमा कर लेता है, ठीक है, इससे बिल दिया, कैश लिया, कैश में डिडक्शन की, वापस किया 2 मिनट में। उसके बरक्स जो दूसरा जो स्टेशन है वो 2.5 मिनट्स ले रहा है, ठीक है, वो 2.5 मिनट्स ले रहा है, ठीक है, एक बिल को जमा करने में। अब इसकी प्रोपिगेशन डिले 2 मिनट्स की है, इसकी प्रोपिगेशन डिले 2.5 मिनट्स की है, तो 1 घंटे के बाद आप देखेंगे कि इसके शायद क्यू खत्म हो जाए, इसके पास बंदे खत्म हो जाएंगे मगर इसके पास लाइन लगी रहेगी, तो इसकी लाइन लंबी होगी। उसकी वजह यह है कि ये प्रोपिगेशन डिले है। तो अब जो आउटपुट है वो लिमिट हो गई है इसकी फ्रीक्वेंसी पे। अब इसकी फ्रीक्वेंसी 2/1/2.5 आ जाएगी, इसकी फ्रीक्वेंसी 1/2 यानी 0.5 आएगी, इसकी फ्रीक्वेंसी हाई होगी। तो हाई फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है शॉर्ट प्रोपेगेशन डिले, और लो फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि हाई प्रोपेगेशन डिले, ठीक है। तो अ गेट ऑफ डिले ऑफ 3 नैनोसेकेंड इज फास्टर देन अ गेट विथ अ 10 नैनोसेकेंड डिले, कि अगर एक गेट है जिसकी जो डिले है प्रोपेगेशन डिले है प्रोपेगेशन डिले वो 3 नैनोसेकेंड्स की है, और एक गेट है जो 10 नैनोसेकेंड डिले का, तो 3 नैनोसेकेंड की डिले वाला जो है उसकी फ्रीक्वेंसी हाई होगी, ठीक है। प्रोपिगेशन डिले जितनी कम होगी उतनी फ्रीक्वेंसी हाई होगी, प्रोपिगेशन डिले जितनी ज्यादा होगी उतनी फ्रीक्वेंसी लो होगी, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसकी प्रोपिगेशन डिले और फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स को मेजर कर सकते हैं। इन्वर्टर की एग्जाम्पल पे अगेन आते हैं। अच्छा, जैसे ही मैंने इनपुट को लो से हाई किया आउटपुट जो है वो हाई से लो होगी। अब आउटपुट हाई से लो नहीं होगी कुछ देर के बाद जाके, ये देखिए मैं यहाँ पे अगर इसको चेंज कर रहा हूँ तो मेरे पास जो आउटपुट पे इफेक्ट है वो इतनी देर के बाद आ रहा है। इस
जो नॉर्मली जो हम टाइम मेजर करते हैं, हम वो 50% ऑफ ट्रांजिशन पे देखते हैं कि अगर सिग्नल 0 से 5 वोल्ट पे जा रहा है, ठीक है, जो मिनिमम अलाउड रेंज है, फॉर एग्जांपल वो 4.5 4 वोल्ट है और ये 5 वोल्ट है, तो कहते हैं कि मैं इसको रब करता हूँ, ठीक है। नॉर्मली जो ट्रांजिशन टाइम लिया जाता है वो 50% ऑफ ट्रांजिशन पे लिया जाता है, कि जब मेरे पास इन केस ये 0 वोल्ट है और ये +5 वोल्ट है, ठीक है, तो जब मेरे पास 2.5 वोल्ट पे पहुंचेगा, ठीक है, 0 से 1 के ऊपर, तो जो टाइम होगा वो समझ ले वो स्टार्टिंग रेफरेंस होगा, और जब जो आउटपुट है वो 1 से 0 की तरफ जब जाएगी, तो जब वो 2.5 वोल्ट के ऊपर पहुंचेगी तो कितनी देर में पहुंचेगी, तो ये जो टाइम आपका होगा इसको हम कहते हैं TPHL, यानी टाइम ऑफ प्रोपेगेशन डिले फॉर हाई लॉजिक। इसी तरह जब लो लॉजिक की बात करें, तो +5 से जब 0 की तरफ जा रहा है, 2.5 वोल्ट पे इनपुट पहुंचा है, और जब आउटपुट है वो आपकी 0 से +5, क्योंकि इन्वर्टर है तो आउटपुट 0.5 वोल्ट पे इनपुट पहुंचा है, और जब आउटपुट है वो आपकी 0 से +5, क्योंकि इन्वर्टर है तो आउटपुट जब ये 5 से 0 होगा तो ये 0 से 5 की तरफ जाएगी, तो 2.5 जो इंटरमीडिएट वोल्टेज है वहां तक पहुंचने में, जब ये 2.5 वोल्ट जो इनपुट का आउटपुट का 2.5 वोल्ट जो अचीव होगा उसके बीच में जो डिले होगी उसको आप टाइम उसको आप प्रोपिगेशन डिले ऑफ लॉजिक लो कहेंगे, ठीक है। ये हाई लॉजिक है और ये लो लॉजिक है और डिले आ रही है। इसी तरह अगर हम कंसिडर करते हैं एंड गेट की, ठीक है, ए तो पक्की पक्की आप +5 वोल्ट पे है, बी जो है अगर वो 0 से हाई होगी और हाई ये 0 से 5 की तरफ जाएगी तो आउटपुट भी आपके पास 0 से 5 की तरफ जाएगी, और ये जब 5 से 0 की तरफ होगा तो आउटपुट भी आपके पास 5 से 0 की तरफ जाएगी। अब जब मैंने इसको 0 से 5 किया तो 50% जो आया उस वक्त आउटपुट 0 थी, कुछ देर के बाद इनकेस 3 नैनोसेकेंड के बाद, अगर 3 नैनोसेकेंड की डिले है तो 3 नैनोसेकेंड के बाद जो आउटपुट है वो टू जो मिड लेवल है 50% लेवल है आउटपुट का वो अचीव कर रही होगी, ठीक है। तो इस तरह इसकी डिले आ जाएगी 3 नैनोसेकंड की TPLH, यानी प्रोपेगेशन डिले फॉर लॉजिक हाई, और इसी तरह लो लॉजिक की कैलकुलेट कर रहे हैं, जब वो हाई से 0 5 से 0 की तरफ जाएगा तो आउटपुट का 5 से 0 की तरफ जाएगी, तो ये जो डिले है आपके पास ये आपके पास प्रोपेगेशन डिले फॉर लॉजिक लो आ जाएगी। अच्छा, आईसीज को कंपेयर करने का एक नंबर है स्पीड पावर प्रोडक्ट। स्पीड पावर प्रोडक्ट का ये प्रोपेगेशन डिले मल्टीप्लाई बाय पावर डेसिपेशन, तो आपको एक स्पीड पावर प्रोडक्ट मिल रहा होता है। ये स्पीड पावर प्रोडक्ट को हम जॉल्स में लिखते हैं, ठीक है, और स्पीड पावर प्रोडक्ट से हमें ये पता लगता है कि कोई आईसी इन दो आईसी में से बेहतर कौन सा है। तो जिसका स्पीड पावर प्रोडक्ट लो होगा उसकी आईसी की परफॉर्मेंस उतनी ही अच्छी होगी। इसके बाद फैन आउट आता है। फैन आउट ये कि नंबर ऑफ सेम सीरीज गेट सेट है दैट अ गेट कैन ड्राइव, कि अगर एक ही सीरीज है, ठीक है, जैसा सी मॉस है, तो सी मॉस का एक एंड गेट की आउटपुट जो है वो कितने एंड गेट्स की इनपुट बन सकती है, इसको हम फैन आउट का नाम देते हैं। फैन आउट ऑफ टीटीएल सर्किट इज फिक्स, फैन आउट ऑफ सी मॉस सर्किट इज रिलेटेड टू ऑपरेशनल फ्रीक्वेंसी। TTL में आपके पास फैन आउट फिक्स होता है, और जो CMOS है, क्योंकि वो मैंने आपको बताया था उसमें आपके पास दो तरह के कैपेसिटर्स आ जाते हैं, CPLD आ रहा है इनपुट लोड कैपेसिटर और एक CPD आउटपुट लोड कैपेसिटर, ठीक है, इंटरनल पावर डेसिपेशन कैपेसिटर्स और एक्सटर्नल लोड डेसिपेशन। तो जो एक दो कैपेसिटर्स हैं इसकी वजह से जो आपके पास इफेक्ट आता है CMOS का, वो आपके ऑपरेशनल फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रहा होता है कि कितनी जितनी आपकी ऑपरेशनल फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रहा होता है कि कितनी जितनी आपकी ऑपरेशनल फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी फैन आउट उतना ही कम होगा CMOS के लिए, ठीक है। अब फैन आउट ऑफ TTL अगर करें तो यूनिट लोड IOS डिवाइडेड बाय IH इज इक्वल टू IOL डिवाइडेड बाय IIL, ठीक है। यूनिट लोड अगर आप निकालें, ठीक है, ये IHR है इनपुट, और ये आप देख लें ये IL जो आपके पास लॉजिक के लिए आ रहा है वो IL है, ठीक है। अच्छा, इसमें जो IOH है इनपुट करंट फॉर लॉजिक हाई आउटपुट एट आउटपुट,
ये आउटपुट करंट है, आई ओ आउटपुट करंट है, आई आई जो है वो इनपुट करंट है, एच जो है वो लॉजिक हाई के लिए रिप्रेजेंट हो रहा है। इसी तरह इनपुट करंट आउटपुट आउटपुट करंट फॉर लॉजिक लो डिवाइडेड बाय आउटपुट करंट इनपुट करंट फॉर लॉजिक लो आ रहा है, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखें टीपीएल के लिए आई ओ एच जो है, ठीक है, आउटपुट करंट किसी भी आईसी का वो 400 माइक्रो एम्पेयर आ रहा है, ठीक है। और जो इनपुट है फॉर जो लॉजिक हाई की के लिए जो इनपुट करंट है रिक्वायर्ड करंट है वो है आपके पास 40 माइक्रो एम्पेयर। तो जो यूनिट लोड है वो कैलकुलेट करने के लिए हम 40 माइक्रो एम्पेयर को डिवाइडेड बाय 40 माइक्रो एम्पेयर पे करते हैं। तो ये माइक्रो एम्पेयर से कैंसिल, 0 0 से कैंसिल, 4 1 और 4 10, तो आपके पास 10 आता है। 10 यूनिट लोड का मतलब ये हो गया कि इन पैरामीटर्स के साथ आप एक गेट को आके 10 गेट्स की इनपुट बना सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इनपुट रिक्वायरमेंट आपके पास 40 है, आउटपुट आपके पास 400 माइक्रो एम्पेयर का आ रहा है, तो आप 10 गेट्स आपसे इस तरह से कनेक्ट कर सकते हो। सिमिलरली आप लॉजिक लो के लिए देखें 1.6 मिली एम्पेयर रिक्वायर्ड होता है, जबकि आउट जो आईसी आउटपुट करता है एक वो 16 मिली एम्पेयर का। जिस तरह आप बता रहे हैं कि ये आई आई एच है, इसकी आई ओ एच आ रही है, ठीक है। आई ओ एच आपके पास अगर यहाँ पे 400 माइक्रो एम्पेयर है, इसके लिए जो रिक्वायरमेंट है वो 40 माइक्रो एम्पेयर है, ठीक है, फॉर लॉजिक हाई, ठीक है। ये एच की बात हो रही है, लॉजिक दोनों हाई हाई पे है, तो अल्टीमेटली आपके पास आउटपुट लॉजिक हाई पे ही होगी। तो ये 40 40 40, ये 10 फैंस यानी 10 जो गेट है उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट आप कर सकते हैं, ठीक है। तो तब 400 बनेगा, उससे कम करेंगे तो कोई मसला नहीं, करंट हाई होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। मगर मिनिमम आपको 40 चाहिए, इससे ज्यादा अगर आपके पास आईसीज होंगे तो 40 माइक्रो एम्पीयर डिक्रीज कर देगा, जिसकी वजह से आपके पास आउटपुट पे वैल्यूज नहीं आएंगे। इसके बाद हम आ जाते हैं फैन आउट फॉर लॉजिक लो की बात हो रही है, ठीक है। लॉजिक लो पे भी उसी तरह आपके पास वोल्टेज लेवल्स कन्वर्ट हो जाते हैं। इसके बाद अगर बात करते हैं फैन आउट फॉर सीमॉस टीपीएल, तो सीमॉस पे बात हो रही थी कि जो आपके पास सीमॉस है उसके अंदर जो आपके पास लोड जो टेक्नोलॉजी है, गेट टेक्नोलॉजी है, वो एक कैपेसिटेंस का इफेक्ट शो करती है। तो ये जो कैपेसिटेंस का इफेक्ट है, ठीक है, जब आपके पास आपका आईसी जो है लॉजिक हाई से लो की तरफ जा रहा होता है तो आपका कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा होता है। इसी तरह जब आईसी लो से हाई गेट लो से हाई लॉजिक की तरफ जा रहा होता है आपका कैपेसिटर चार्जिंग स्टेट में होता है। तो ये चार्जिंग और डिस्चार्जिंग एक फ्रीक्वेंसी के ऊपर लिमिट हो रही होती है, कि एक फ्रीक्वेंसी से वो चार्ज हो रहा है, एक फ्रीक्वेंसी से वो डिस्चार्ज हो रहा है। अब जब आपके पास नंबर ऑफ यूनिट्स आगे ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है, तो ये हाई टू लो चार्जिंग उसी रेट से हो रही है। अब लो टू हाई चार्जिंग आगे, तो वो डिले की वजह से आपके पास जो फैन आउट है वो लिमिट हो जाएगा, ठीक है। तो टीटीएल में जो है वो फिक्स है, सीमॉस का आपके पास जो है वो फिक्स है, सीमॉस का आपके पास जो है वो डिपेंड कर रहा होता है कि कैपेसिटर की चार्जिंग पे। अब चार्जिंग और डिस्चार्जिंग टाइम अगर इंक्रीज होता है तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जिसपे गेट ऑपरेट करता है वो रिड्यूस हो रही होती है। इसी तरह इस वजह से आपके पास जो फैन आउट ऑफ सीमॉस गेट्स हैं वो डिपेंड करते हैं मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑपरेशन के ऊपर। अगर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑपरेशन पे है तो आपके पास जो फैन आउट है वो बहुत कम हो जाएगा, ठीक है, सीमॉस का। ये कुछ पैरामीटर्स है, परफॉर्मेंस रेटिंग्स है टीटीएल की, ठीक है। टीटीएल की 500 जो सीरीज थी हमने, 74 स्टैंडर्ड, शॉक्टी, लो शॉक्टी, एडवांस शॉक्टी, एडवांस लो शॉक्टी और फिर 74 फास्ट जो सीरीज है उसके पैरामीटर है। इसमें अगर आप देखें तो जो प्रोपिगेशन डिले है सबसे कम वो फास्ट की होगी, ठीक है। शॉक्टी की पावर डेसिपेशन इसकी ज्यादा है, इसकी पावर डेसिपेशन कम है, ठीक है। अगर स्पीड पावर प्रोडक्शन कम है, ठीक है, अगर स्पीड पावर प्रोडक्ट देखें तो सबसे कम आपके पास 74ALS का आ रहा है, यानी कि इन सारी टेक्नोलॉजीज में 74AS सबसे बेहतर है। इसी तरह अगर क्लॉक फ्रीक्वेंसी देखें, फ्रीक्वेंसी जिस पे ये आईसी ऑपरेट कर सकते हैं, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 70Hz के लिए 235 है। फैन आउट जो है वो 74ALS के लिए 20 है, फास्ट के लिए 33 है, स्टैंडर्ड के लिए 10 है, बाकी 20 20 आ रहे एस और LS के लिए, AS के लिए 40 है। तो ये परफॉर्मेंस रेटिंग्स है टीटीएल के लिए, और ये परफॉर्मेंस रेटिंग्स आ रही है सीमॉस के लिए। ये +5 वोल्ट है, ठीक है,
और ये 3.3 वोल्ट के लिए है, ठीक आ रहा है, 3.3 वोल्ट के लिए। प्रोपिगेशन डिले सबसे कम 7.4 AHC की है। पावर डेसिपेशन देख लें, और पावर डेसिपेशन एट 100 किलो हर्ट्स आ रही है। फिर स्पीड पावर प्रोडक्ट है एट 100 किलो हर्ट्स, तो स्पीड पावर प्रोडक्ट का आप देखें तो 0.23 सबसे कर है। अब 7.4 AHC जो है वो उसका जो मैक्सिमम क्लॉक रेट है, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जिस पे वो ऑपरेट कर सकता है, वो 170 मेगाहर्ट्स है। इसी तरह AC के लिए 160 मेगाहर्ट्स है, और HC के लिए 50 मेगाहर्ट्स है। अगर हम 3.3 वोल्टेज की बात करें, तो जो प्रोपिगेशन डिले आपके पास देख लें, इसकी सबसे कम है, ठीक है। जो पावर डेसिपेशन स्टैटिक पे आप देखें, ठीक है, तो वो 0.08 भी इसकी कम है, इन दोनों के बराबर है। अगर आप क्लॉक रेट देखें तो इसका 150 है, इसका 100 है। इट मीन्स के 7.4 ALDC जो है वो सबसे बेहतर आपके पास परफॉर्म कर रहे हैं बाकी ICs की निस्बतन 3.3 वोल्ट में, और 7.4 AHC जो है वो 5.5 वोल्ट के लिए बेहतर परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे आज का लेक्चर हम खत्म करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइम हम मजीद पैरामीटर्स को देखेंगे कि जो आप परफॉर्मेंस पैरामीटर्स हैं किसी भी गेट के या आईसी पे हम बात करेंगे। इस लेक्चर को गो थ्रू कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, अगर कोई क्वेश्चन हो तो हम इंशाल्लाह फिजिकल सेशन में उसको क्लियर कर लेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल